हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सपना। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक सनस्क्रीन का रिव्यू लेके आई हूँ। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सिटाफिल सन्स SPF 50 प्लस का रिव्यू लेके आई हूँ। दिस इज़ द सनस्क्रीन। फ्रेंड्स, ये एक हाई प्रोटेक्शन सनस्क्रीन है। इस पर UVA UVB दोनों प्रोटेक्शन है। ये लाइट वेट, वेरी हाई प्रोटेक्शन, सेंसिटिव स्किन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वेट, वेरी वाटर रेजिस्टेंस। ये वाटर रेजिस्टेंस भी है। आप स्विमिंग के टाइम में टॉवल ड्राई पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं दिस इज द समर टाइम, और समर हो, विंटर हो, मानसून हो, सनस्क्रीन लगाना मस्ट है हमारी स्किन को यूवी रे UVB से प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप इंडोर में हो तो आप 30 SPF भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप बाहर जाते हो ज़्यादा, सन एक्सपोज ज़्यादा है, तो आपको SPF 50 लगाना मस्ट है, और उसे 2-3 घंटे बाद री अप्लाई करना भी मस्ट है। फ्रेंड्स, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड फॉर सेंसिटिव स्किन। फ्रेंड्स, ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। फ्रेंड्स, ये फेस एंड बॉडी दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेग्रेंस फ्री है, पैराबेन फ्री है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, हाइपो एलर्जेनिक है। आप इस पे इसका डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, रही बात इसकी प्राइस की, तो 50 ml, इसकी 50 ml की प्राइस है 1080 rupees। आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो आपको डिस्काउंट रेट पे भी मिल जाएगा कभी कभी। फ्रेंड्स, ये रहा मेन पैकेजिंग। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। दिस इज द टेक्सचर। जैसे कि आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा रनी है, और ये बहुत जल्दी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है, बट फिर भी आप जब भी बाहर जाएं, आपको जाने से 15-20 minutes पहले इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये आपके स्किन पे सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है और इस पे कोई वाइट कास्ट नहीं है। फ्रेंड्स, इसे ऑल स्किन टाइप पीपल यूज़ कर सकते हैं। जिनके सेंसिटिव स्किन है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जिनके ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑल टाइप स्किन इसे यूज़ करते हैं। सिर्फ जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो इसे यूज़ करना अवॉइड करें, और जो ह्यूमिड एरिया में रहते हैं वो भी, उन लोग भी इसे लगाना अवॉइड करें, क्योंकि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ये लगाने के बाद स्किन और चिपचिपी हो सकती है, और जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एरिया में रहते हैं, ये लगाने से स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है, तो भी फेस पे एक चिपचिपाहट लग सकते हैं। तो इन दोनों के अलावा कोई भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ट्राई करना है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा सिटाफिल SPF 50 प्लस का रिव्यू। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।